नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप सभी ने बहुत पहले ये सहायक शिक्षक के तीसरी सूची के लिए कटअप बनाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैं पूरे 14 जिले के हिसाब से लिस्ट की इंतज़ार कर रहा था कि जैसे लिस्ट आएगा, जो मेरिट लिस्ट है और ज्वाइनिंग जो लिस्ट है उनको मिलान करके मैं बनाऊँगा। लेकिन इतना इंतज़ार करने के बावजूद जो है लिस्ट जो है सभी मुझे नहीं मिल पाया। तो कुछ अनुमानित कट आप कुछ लिस्ट को आधार मान करके और सोर्स के आधार पर, कुछ जानकारी के आधार पर मैंने एक कट आप जो है तीसरी सूची के लिए मैंने बनाया है। क्यों? क्योंकि दो दिन पहले ये अपडेट आया है कि 5 मार्च को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी शिक्षक और सहायक शिक्षक का, फिर 7 मार्च तक के सत्यापन कंप्लीट कर दिया जाएगा और जो है 15 मार्च तक की पदस्थापना पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा तीसरी सूची के लिए। तो अब संभवतः किसी भी तरह से तो कट ऑफ निकालना ही था, तो थोड़ा सा मेहनत मैंने किया है, ज़्यादा मेहनत नहीं किया है, और इस मेहनत के बाद मैंने कुछ कट ऑफ इस प्रकार से बनाने का प्रयास किया। आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा बोर्ड थोड़ा सा गिर गया था तो टूट गया है, इसको ना देखे, और कुछ लाइट वाइट का भी प्रॉब्लम चल रहा था अभी, क्योंकि जगह थोड़ा सा नया है तो वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सहायक शिक्षक के लिए मैंने बनाया है, शिक्षक का हम कल बना देंगे। जिसे मुक्त है, जिसे अनरक्षित है, उनके लिए मैंने कटअप बनाया है 79.50 से 80 तक का मुक्त के लिए, और 79.50 तक थोड़ा सा नीचे गिर सकता है महिला के लिए, और ओबीसी के लिए देखा जाए तो लगभग इतना जा सकता है 79.33 से 79.50। इससे नीचे जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक संभव हो यहाँ तक जाने की पूरी पूरी संभावना है। एससी का देखा जाए तो एससी का आप देख सकते हैं 70.663 से 70.918 यहाँ तक का आने की संभावना है, और मुक्त महिला का देखा जाए तो 79.643। इतने ज़्यादा लोग हैं कि मुझे पॉइंट भी लिखना पड़ा, यदि 69 लिखता तो 7643 वाले भी बहुत ज़्यादा है, उससे नीचे वाले भी ज़्यादा है, तो लगभग इसी के इर्द गिर्द जो है लोगों का कटअप आएगा। उसके बाद एसटी का देखिए 59.184 से 59.439, मतलब ये मुक्त के लिए है, इसमें महिला भी पुरुष भी दोनों आ जाते हैं, और महिला का देखा जाए तो 58 से 59 के बीच, इससे नीचे जाने की संभावना नहीं है। रही सवाल पीएच का, तो पीएच का मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उसका अनुपात में निकलता है और इतना ज़्यादा कटअप बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसका मैं नहीं बता सकता। वो फ्री है, वो क्या लेंगे कैसे लेंगे ये मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें कुछ अलग टाइप के लेते हैं, उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और उतना मेहनत करने के लिए मेरे पास डाटा भी उपलब्ध नहीं है। तो साथियों, ये रहा कट ऑफ। यदि आपको लगता है कि इसके गिर्द है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, इससे नीचे थोड़ा सा जाने की संभावना तो नहीं लग रहा है, चला जाएगा तो बहुत बधाई के पात्र है। और मैंने इसको इस डाटा को बनाया है, लगभग 500 लोगों का लिस्ट जो निकल सकता है, 500 लोगों का या 550 तक के या ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। यदि हम पीएच का भी ले लेते हैं, इसमें पीएच का भी ले लेते हैं तो 550 तक के लोगों की जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत लोगों ने इस्तीफा भी दिया है। इस्तीफा को यदि मिला लेते हैं तो कट ऑफ नीचे जाएगा, यदि इस्तीफा वाले को नहीं मिलाते हैं तो कट ऑफ इसी के अंतर्गत जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। हम शिक्षकों के लिए कल कट ऑफ आपके पास समक्ष रखने का प्रयास करेंगे, यदि समय मिलता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।